राजस्थान के बारा में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों में खासा फर्जीवाड़ा हो रहा है। ऐसी ही शिकायत पर किशनगंज पंचायत समिति में चल रहे महानरेगा कार्यों का जिला परिषद के सीओ ब्रजमोहन बैरवा निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मेठों की मिलीभगत से कार्यों में फर्जीवाड़ा सामने आया है। निरीक्षण के दौरान किशनगंज पंचायत समिति के विकास अधिकारी दिवाकर मीणा एएन कृष्ण मोहन पांडे भी मौजूद रहे। नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया गया। मिसाई में निरीक्षण के दौरान मजदूरों ने सीओ पर गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया है। विकास अधिकारी दिवाकर मीणा ने बताया कि क्षेत्र में जांच के दौरान मनरेगा में मेट्रो की मिलीभगत से कई जगह फर्जीवाड़ा सामने आया है। मिसाई में एक भी मजदूर उपस्थित नहीं मिला, सभी मजदूर दूर छाया में बैठे हुए पाए गए। किशनगंज में कार्य ठीक पाया गया। बरौनी में 5 मेट नदारद मिले, अनुपस्थित सभी 10 मेटों को ब्लैक लिस्ट घोषित किया गया है। एक मजदूर ने सीओ के ऊपर उंगली उठाई, जिसके लिए सीओ ने एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। एएन कृष्ण मोहन पांडे ने बताया है कि लोलकिया में 50 मजदूरों की प्रेजेंट की हुई थी, जबकि वहां पर 12 मजदूर उपस्थित मिले। बरौनी में तलाई के कार्य पर 5 मेट में से 4 अनुपस्थित मिले और एक मेट द्वारा 4 मस्टरोलों को अपने साथ ले जाना पाया गया। लोलकिया में मजदूरों की जगह जेसीबी मशीन से कार्य करना पाया गया। सभी मेटों को ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया गया है और रोजगार सहायक को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। वहीं मिसाई गांव के मजदूरों ने सीओ पर गाली गलौज करने के मामले को लेकर किशनगंज उपखंड अधिकारी जगमोहन शर्मा को ज्ञापन देकर सीओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। विकास अधिकारी दिवाकर मीणा ने मजदूरों द्वारा सीओ पर गाली गलौज करने के आरोप लगाए हैं। और आदमी दूसरी छाए हम बैठे थे, मतलब सब ऐसे छट छट करके बैठते हैं ना, कोई एक जगह थोड़ी बैठते हैं, जितनी से छाए रहती है इतनी जगह हम बैठ जाते हैं, 10-5 जने एक जगह दूर थे, हमको कोई पता नहीं था सर। हम तो आते हैं तो तुरंत गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए। क्या बात हुई? बस गाली गलौज कर रहे थे लेडीजों में। अच्छा, औरतों में गाली गलौज कर रहे थे? हाँ। किस मामले को लेकर? पता ही नहीं सर, अब कोई नहीं सिखाई थी, टाइट कर दी होगी, अब पता नहीं हमको तो। किशनगंज में सभी मेट्रो का काम अच्छा था, लेबर का काम अच्छा है, सब जगह पर पानी रखा था, पिलाने की पूरी व्यवस्था थी। उनको साहब के निर्देशानुसार और टास्क के अनुसार 200 से 210 के बीच में पेमेंट किया जा रहा है। मिसाई नरेगा नीचे तलाई के काम पर एक भी लेबर नहीं मिली, लेबर अनुपस्थित थी। सीओ साहब ने, बीडीओ साहब ने खुद ने मौजूद थे और जब उनसे पूछा कि भाई तुम छाया में क्यों बैठे हो इतनी दूर आके, तो वो उन्होंने बीडीओ साहब से और सीओ साहब से अभद्र व्यवहार किया, दोनों मेटों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। आज हम लोग सभी चेक करने गए थे नरेगा साइट्स को, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी हमारे एएन साहब और हमारे जेएन सभी लोग गए थे, जिन्होंने किशनगंज में हमने चेक किया, वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है और सभी को 200 से लेकर 220 रुपए श्रम दिया जा रहा है। श्रमिक मिले ही नहीं, जो मिले वो बहुत ही दूर बैठे हुए थे, तो उनको जिसमें सीओ साहब भी थे कि वो आए नहीं किसी काफ़ी देर तक, क्योंकि अधिकारी तो जाते हैं वो तो काम ही देखेंगे, इतना टाइम था नहीं। फिर बाद में कोई व्यक्ति था गिरिराज नाम का, जो हमसे सीओ साहब और मेरे से बहस करने लगे और उन्होंने उंगली दिखाते हुए सीओ साहब ने उनके खिलाफ़ FIR के भी निर्देश दिए हैं।